तो नहीं, हम साइड से निकल रहे हैं। हाँ सर, अपना परिचय बताओ। संतोष ओझा हमारा नाम है, संस्था के हम सचिव हैं और संस्था पिछले 6 सालों से भ्रूण हत्या के खिलाफ एक पिंडदान का कार्यक्रम चलाती है। मानना हम लोगों का ये है कि उन बेटियों को जिनको पेट में मारा गया, उन बेटियों को जिनको जीने का अधिकार नहीं दिया गया, उनका मोक्ष का अधिकार बनता है और उसी मोक्ष के साथ आज पक्ष का नौमी तिथि है। नौमी तिथि को हम लोग मात्र नौमी के दिन में जाते हैं, मात्र प्रधान दिन ये होता है, लिहाजा उनका हम लोग पिंड करते हैं। विधान से 5 ब्राह्मण होते हैं, आचार्य जो होंगे वो दिनेश शंकर दुबे जी हैं, उनके निकट में आयोजन होता है। और सबसे जो बड़ी बात होती है वो ये, हम लोगों का ये मानना है, संस्था का ये मानना है कि निश्चित तौर पे जो बेटियां जो गर्भ में इनकी धड़कन चलती है, जिसे हम कहते हैं आत्मा का प्रवेश करना, उसके बाद जब हत्या होती है तो बात नहीं, सही मायने में वो जीव हत्या है। और यदि जीव हत्या हुआ है तो श्राद्ध भी जरूरी है, उसी के निमित्त हम लोग ये कहते हैं। संतोष जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज भी भ्रूण हत्या आज भी जारी है, आज भी कहीं न कहीं कन्याओं को अनदेखी किया जा रहा है, क्या करना चाहेंगे आप अपनी संस्था की तरफ से? देखिए, हमारी संस्था पिछले 20 सालों से 2001 से लगातार बेटी बचाने के मुहिम का अलग जगा रही है। हम लोगों को सफलता भी मिला है, लेकिन ये कहा जाए कि हम लोग पूर्ण रूप से सफल है ये अभी संभव नहीं हो पाया है। और इसकी वजह से ये है कि लोगों की जो मानसिकता है वो अभी भी लड़कियों को औरतों को दोनों दर्जे पे रखने का है। हम लोगों का प्रयास ये है कि जनजागरण के माध्यम से लोगों को, महिलाओं को सामने लाया जाए और उनको इज्जत पहुंचे। आज जो